नहीं समझे है वो हमें। जी हाँ, कैसे हैं आप लोग। वरुण धवन बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यंग एक्टर हैं, जिनकी लास्ट 3 फिल्म को ऑडियंस से बहुत ही बुरा रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन वो ये 7 बड़ी फिल्म से बहुत ही तगड़ा बाउंस बैक करने वाले हैं। तो आज हम वरुण धवन की आने वाली 7 बड़ी फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 2021 से लेके 23 के बीच में रिलीज होने वाली है। तो प्लीज़ एक भी फिल्म को मिस मत करना। अगर आप वरुण धवन के फैन हो तो वीडियो को लाइक कर दो। शुरू करते हैं। नंबर 7, जुग जुग जियो। और ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होगी जो कि धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही है। फिल्म में वरुण धवन, कियारा आडवाणी, अनिल कपूर, नीतू कपूर, प्राजक्ता कोहली और मनीष पॉल दिखाई देने वाले हैं। फिल्म के डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर है राज मेहता, जो कि गुड न्यूज जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बना चुके हैं। और ये फिल्म 2022 के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म में हम सबको दो जनरेशन के दो कपल की कहानी देखने मिलेगी, जो कि अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान है। फिल्म में वरुण धवन और कियारा आडवाणी ऑन स्क्रीन हस्बैंड एंड वाइफ का रोल प्ले करेंगे। बहुत सही है। नंबर 6, मस्कारा। और ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी। फिल्म में वरुण धवन एक स्टैंड अप कॉमेडियन का रोल प्ले करेंगे। राइटर और डायरेक्टर है राज सांदेलिया, जिनकी पहली फिल्म थी ड्रीम गर्ल, जो कि एक बहुत ही बड़ी फिल्म थी। राज को लगता है कि वरुण धवन इस कैरेक्टर में बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं और सूट करेगा ये कैरेक्टर उनके ऊपर। आपको क्या लगता है लिख कर कमेंट सेक्शन में बताओ। एनीबॉडी कैन डांस एक 3D डांस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी। फिल्म में वरुण धवन और श्रद्धा कपूर दिखाई दे सकती हैं। डायरेक्टर होंगे रेमो डिसूजा। इनकी फिल्में कैसी भी हो, लेकिन मुझे इनकी ABCD फ्रेंचाइज बहुत सही लगती है। फिल्म में म्यूजिक, डांस, मस्ती, कॉमेडी सब कुछ होता है। और इस फिल्म के बारे में रेमो डिसूजा ने कुछ ये कहा था, मैं ABCD फिल्म सीरीज के 3rd पार्ट की तैयारी कर रहा हूँ। हम सब अभी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और ये फिल्म लगभग रेडी है। हम ABCD 3 की जल्दी अनाउंसमेंट करेंगे। ABCD इस बार डिज्नी प्लस के साथ है, तो बहुत ही सही है। और ये फिल्म 2023 तक रिलीज होगी। भेड़िया एक कॉमेडी हॉरर फिल्म होगी। फिल्म में वरुण धवन भेड़िया के रूप में दिखाई देंगे। फिल्म में कृति सेनन, दीपक दोबरियाल और अभिषेक बैनर्जी जैसे टैलेंटेड एक्टर दिखाई देने वाले हैं। डायरेक्टर होंगे अमर कौशिक, जो कि स्त्री जैसी हॉरर कॉमेडी फिल्म और बाला जैसे सुपरहिट फिल्म बना चुके हैं। राइटर नीरेन भट्ट होंगे, जो कि बेयार, असुर और मेड इन चाइना जैसे बेहतरीन फिल्मों की कहानी लिख चुके हैं। और ये फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। और ये फिल्म मैडॉक्स फिल्म और जियो स्टूडियो के बैनर तले बन रही है। नंबर 3, सनकी। सनकी एक क्राइम थ्रिलर फिल्म होगी। फिल्म में वरुण धवन रहमान सर का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं और वरुण धवन के अपोजिट परिणीति चोपड़ा दिखाई देने वाली हैं। डायरेक्टर और राइटर होंगे कार्तिक नरेन। और ये फिल्म 2022 में ही रिलीज होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म को बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। और ये फिल्म साजिद नडियाड वाला ग्रैंडसन के बैनर तले बन रही है। सन की फिल्म डी सस्ती फिल्म के ऑफिशियल रीमेक होगी, जो कि 2016 की वन ऑफ द बेस्ट तमिल फिल्म थी। डी सस्ती के बारे में एक छोटा सा ज्ञान, ये फिल्म एक स्लीपर हिट फिल्म थी जिस फिल्म को ऑडियंस से बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स मिला था। डी सस्ती को IMDB पर 10 out of 8.3 की रेटिंग हासिल है 13.5 के वोट के साथ। और ये फिल्म टॉप रेटेड इंडियन मूवी के लिस्ट में शामिल है। डी सस्ती की पूरी कहानी सिर्फ 16 कैरेक्टर के आगे पीछे घूमती है। वरुण धवन इस फिल्म में पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करेंगे, जो कि एक बेहतरीन केस सॉल्व करेंगे फिल्म में। चल झूठा। जी हाँ, केसरी फेम अनुराग सिंह के साथ भी उनकी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म आने वाली है। और ये डायरेक्टर अनुराग सिंह और वरुण धवन की पहली फिल्म होगी। केसरी के अलावा अनुराग सिंह ने पंजाबी 1984, सुपर सिंह, सादा जैसे पॉपुलर पंजाबी फिल्म बना चुके हैं। तो देखते हैं फिल्म कैसी होती है। नंबर 1, एक किस। और ये फिल्म एक पेट्रियोटिक वॉर एक्शन फिल्म होगी। फिल्म में वरुण धवन की रोल प्ले करेंगे। डायरेक्टर होंगे श्रीराम राघवन, जो कि कितने बड़े डायरेक्टर हैं आप सभी को मालूम है, जो कि अंधाधुन जैसे क्रिटिकल अक्लेम फिल्म बना चुके हैं, जिसने दुनिया भर में 456 करोड़ का कलेक्शन किया था। उसके अलावा उन्होंने जॉनी गद्दार और एक हसीना थी जैसे ग्रिपिंग फिल्म दे चुके हैं। और ये फिल्म 2022 के मौके पर रिलीज होगी। और 21, फिल्म में हम सबको महाराष्ट्र में जन्म लिए बहादुर अर्जुन खेतरपाल की कहानी देखने मिलेगी, जिनको उनकी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। कैसे अरुण जी बैटल ऑफ बसंतार में लड़ते लड़ते शहीद हो गए और फिल्म का नाम 21 इसी वजह से, क्योंकि अरुण जी 21 की उम्र में शहीद हुए थे। इस फिल्म की शूटिंग इंडिया के कई पार्ट में होने वाली है और फिल्म के लिए वरुण धवन नेशनल डिफेंस एकेडमी में कुछ समय के लिए ट्रेनिंग मिलेंगे, तो बहुत सही है। और ये वरुण धवन और श्रीराम राघवन की दूसरी फिल्म होने वाली है। इससे पहले ये जोड़ी हम सबको बदलापुर फिल्म दे चुकी है। घेतली काय मर्डर गेले। आप लोग को वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक करो। और आप लोग कौन से फिल्म के लिए वेट करो लिख कर बताओ, फटाफट बताओ यार। एक फिल्म का तो नाम बनता ही है। शुक्रिया।